फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमें एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसकी अभी तक हम यूनिट नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज से हम स्टार्ट करेंगे सेल्स मैनेजमेंट। अभी तक हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था यूनिट नंबर 4 तक, अब बस हमारे यूनिट नंबर 5 एंड 6 बचा है, जिसके अंदर हम सेल्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल्स मैनेजमेंट यूनिट नंबर 5। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलिंग क्या होता है, सेलिंग के नेचर क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ सेलिंग एंड पर्सनल सेलिंग क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग आर टू ब्रांचेस ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस। सेलिंग इज अ फंक्शन इन विच गुड्स आर एक्सचेंज इन मनी। सो सेलिंग फंक्शन हैज अ मेजर रोल इन मार्केटिंग। सेलिंग डज नॉट मीन ओनली टेकिंग मनी एंड गिविंग गुड्स। इट हैज़ अ ब्रॉड मीनिंग इन मार्केटिंग इन विच इंक्लूड द एक्टिविटीज सच एज सेलिंग गुड्स, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर, क्रिएटिंग डिमांड, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू बायर एट्सेट्रा। तो जो बाइंग एंड सेलिंग होता है, खरीदना या फिर बेचना, ये एक दो ब्रांचेस होती है एक्सचेंज प्रोसेस की। ये दोनों ही ब्रांचें एक्सचेंज प्रोसेस की। सेलिंग हमारा एक वो फंक्शन होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं अपने गुड्स को, हम एक्सचेंज करते हैं मनी के लिए। तो जो हमारा सेलिंग फंक्शन होता है वो उसका मेजर रोल होता है हमारा मार्केटिंग के अंदर। इसका एक मेजर रोल होता है मार्केटिंग के अंदर। सेलिंग डज नॉट मीन ओनली टेकिंग मनी। सेलिंग का बस एक ये मतलब नहीं होता है कि हमें पैसे लेने हैं या फिर अपने गुड्स देना है। इसका हमारा इससे भी ज़्यादा मीनिंग होता है। इसके हम पढ़ते हैं मार्केटिंग के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। सेलिंग गुड्स, अपने गुड्स को सेल करना, आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को जानना, क्रिएटिंग डिमांड, उनके अंदर डिमांड को क्रिएट करना कि उन्हें लगे कि हाँ उन्हें हमारे प्रोडक्ट की नीड है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपने प्रोडक्ट के बारे में कि उनको बिल्कुल यही लगे कि उनको तो हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टू बायर्स एट्सेट्रा। तो ये था हमारा सेलिंग का क्या मतलब होता है। इम्पॉर्टेंस, अब इसकी क्या क्या ज़रूरत होती है। तो पर्सुएशन, इंट्रैक्शन, फीडबैक एंड कस्टमर लॉयलिटी। पर्सुएशन, उनको परसूट करना कि उनको हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है। इंट्रैक्शन, अपने कस्टमर्स और जो हमारा सेल पर कर रहा है सेल्स पर्सन, उन दोनों के बीच का एक अच्छा रिलेशन बनाना। उसके बाद आता है फीडबैक, कस्टमर से टाइम टू टाइम फीडबैक लेना। कस्टमर लॉयल्टी, मतलब कस्टमर्स कितने लॉयल है हमारे प्रोडक्ट को लेके। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सेलिंग की। नेचर के अंदर आता है द सिंपलेस्ट वे टू थिंक ऑफ द नेचर एंड रोल ऑफ सेलिंग इज दैट इट्स फंक्शन इज टू मेक अ सेल। जो इसका मेन पर्पस होता है नेचर का, तो वो है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना। सेलिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल टेक्निक एंड सब्सटेंशियल पर्सनल स्किल्स एंड कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिंग टास्क। तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं वो उसके यूज होते हैं। कंपनी स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी ट्रेनिंग देयर सेल्स पर्सनल इन द आर्ट ऑफ सेलिंग। तो जो कंपनी होती है वो ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती है अपने कंपनी को ट्रेन करने में, जिससे वो बहुत ही अच्छी तरह से सेल कर सके। तो जो हमारे सेल्स पर्सन की उसके अंदर आर्ट देखने को मिलती है। टाइप्स ऑफ सेलिंग, तो टाइप्स ऑफ सेलिंग के अंदर आता है द डाइवर्स नेचर ऑफ बाइंग सिचुएशन मीन्स देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेलिंग जॉब्स। सेलिंग वेराय अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेलिंग टास्क। तो जो हमारी सेलिंग होती है वो डिफर करती है अकॉर्डिंग टू देयर सेलिंग टास्क। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है ऑर्डर टेकर, जो ऑर्डर लेता है। सेकेंड, ऑर्डर क्रिएटर, जो ऑर्डर को बनाता है। और थर्ड आता है ऑर्डर गेटर, जिसको ऑर्डर मिल रहा है। तो ऑर्डर टेकर के अंदर आता है इनसाइड ऑर्डर टेकर्स, डिलीवरी सेल पर्संस, आउटसाइड ऑर्डर टेकर। उसके बाद क्रिएटर के अंदर आता है मिशनरी सेल्स पर्सन, और गेटर के अंदर आता है हमारा न्यूज़पेपर सेल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशनल सेल पीपल, कंज्यूमर सेल्स पीपल, टेक्निकल सपोर्ट सेल पीपल एंड मर्चेंडाइजर। तो ये थे इसके टाइप्स ऑफ सेलिंग। अब हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग वो होता है जब कस्टमर जो होता है कस्टमर्स के पास जाकर हम डायरेक्ट उनको अपने सामान के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं।
इसके अंदर हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है और डायरेक्ट सेलिंग होती है. पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेल पर्सन एंड द बायर. तो इसके अंदर जो सेल पर्सन होता है और बायर, मतलब जो बेच रहा है और जो खरीदने वाला है, उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है. वो एक दूसरे से आमने सामने बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, कस्टमर उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, फिर वो उसका जवाब देता है. इट मीन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द बायर एंड सेलर. पर्सनल सेलिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय द सेलर असिस्टेंट असर्टेन एंड एक्टिवेट द नीड्स और वॉन्ट ऑफ द बायर्स एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वॉन्ट ऑफ द म्यूचुअल कॉन्टिन्यूस एडवर्टीजमेंट ऑफ बोथ द बायर्स एंड सेलर. तो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं अपने कस्टमर्स को कि ये प्रोडक्ट खरीद लो और इससे आपके जो इतनी भी नीड्स है वो सेटिस्फाई करेगा. तो इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है. तो ये थी हमारी इसकी डेफिनेशन. अब इसके नेचर क्या होते हैं, इसके अंदर हमें डायरेक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, ओरल कम्युनिकेशन होती है, आर्ट ऑफ पर्सुएशन, कॉन्टैक्ट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ बायर. मतलब हम इसके अंदर एक टाइम के अंदर हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो कस्टमर के पास जाके बात कर सकते हैं. तो इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ बायर से हम जाके बात कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है हमारा क्रिएशन ऑफ डिमांड. इसके अंदर हम उनको बताते हैं कि आपको डिमांड है, इस प्रोडक्ट की डिमांड है. हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लोरिंग हिडन वॉन्ट्स, उनको बताते हैं कि आपको है ना इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. एजुकेट करते हैं अपने कस्टमर्स को, उनको बताते हैं कि मार्केट के अंदर क्या कौन कौन से प्रोडक्ट आए हैं. बिल्डिंग रिलेशनशिप, तो उसके कस्टमर्स और सेल पर्सन इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है. प्रोवाइडिंग फीडबैक, उसके बाद हम उनसे फीडबैक लेते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स मैनशिप के बारे में. तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सेलिंग क्या होता है और पर्सनल सेलिंग क्या होता है, उन दोनों के ऑब्जेक्टिव और उनके टाइप्स के बारे में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू.